गुड आफ्टरनून एवरी वन, वेलकम बैक टू द चैनल इंडियन मॉम विद बेबी रियू। कैसे हो आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और अभी है आफ्टरनून के 1:30 और मैं बनाने जा रही हूँ लंच। लंच में आज बनेंगी वेजिटेबल दम बिरयानी। और तो चलिए, कैसे बनाती हूँ मैं वेज दम बिरयानी जल्दी से आपको बताती हूँ, चलिए मेरे साथ। के लिए मैंने राइस रख दिए हैं बॉइल करने के लिए। उसमें मैं कुछ खड़े मसाले ऐड करूँगी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, 2 लौंग, 3-4 काली मिर्च और तेज पत्ता। इसके अंदर थोड़ी सी बूंदे में ऑयल की डालूंगी और साथ में सॉल्ट डालूंगी। और यहाँ पे साइड में मैंने कुछ वेजिटेबल्स ले ली हैं कट करके, और 1-2 प्याज मैंने लंबे काट लिए हैं, और 1 कटोरी मैंने दही लिया है। ये मैंने अदरक, लहसुन और मिंट, कोरिएंडर जो है पीसने के लिए रखा है, एंड ये कुछ सोयाबीन चंक सोक करके रखे हुए हैं। राइस को 80% ही कुक करना है, तो ध्यान रखना है बिल्कुल राइस की कुकिंग में। ये राइस कुक हो गया 80%, अभी इनको मैं ठंडे पानी से निकाल लूँगी। और ये मैंने यहाँ पे जितने भी अनियन थे उनको डीप फ्राई करके सेपरेट कर लिया है। सेम कढ़ाई में मैं यहाँ पे जीरा, धनिया डालूँगी और इन सारी सब्जियों को 20% कुक कर लूँगी। यस, थोड़ा सा सॉल्ट इसमें ऐड करना है, और ये सोयाबीन चंक्स भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, एंड इनको बस थोड़ा सा कुक कर लेंगे। और उसके बाद गैस बंद करके इसके अंदर जो भी मैंने पेस्ट बनाया था वो ऐड कर दूंगी, और ये कर्ड इसके अंदर अच्छे से ऐड कर दूंगी। अब बस ये थोड़ा सा मिक्स हो जाए, फिर इसके अंदर मैंने जो अनियन फ्राई करके रखे थे वो ऐड करूँगी। थोड़ा सा इसमें गरम मसाला ऐड करूँगी, 1 चम्मच देसी घी ऐड किया है मैंने, और थोड़े से चॉप करके रखे थे कोरिएंडर मिंट वो स्प्रेड किए हैं, और फाइनली राइस उसके ऊपर स्प्रेड कर लिए हैं। मैं एक ही लेयर में डालूँ, आप चाहो तो 2 लेयर में डाल सकते हो। ऊपर से मैंने कुछ अनियन डाले हैं फ्राई किए हुए, और वो मिंट और कोरिएंडर की पत्ते उसके ऊपर ऐड किए हैं, और उसके ऊपर थोड़ा सा केवड़ा वाटर और ये फूड कलर मैंने ऐड किया है। बस इसको कवर करके 15 मिनट तक मैंने मीडियम आंच पे पकाना है। फाइनली देखिए मेरी जो बिरयानी है वो बहुत अच्छी बनी है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। ट्रस्ट मी, बिना मसाले के भी बिरयानी बहुत अच्छी बनती है, बहुत ही टेस्टी और जल्दी बन जाती है। तो आप ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। फाइनली अब थोड़ा सा फ्री होके बैठी हूँ। एक्चुअली लंच करने के बाद ऊपर वाले फ्लोर की क्लीनिंग पूरी करी, और बस वो ही क्लीनिंग करी, उसमें वैक्यूम वगैरह करने के बाद थोड़ा डस्ट हो गई थी, तो फिर उसके बाद मैंने शावर लिया, और शावर लेके अभी बस थोड़ा रेस्ट कर रही थी। साथ में मैंने चाय रख दी है। इवनिंग के 7:30 हो रहे हैं और बाहर धूप है, यहाँ से आप देख रहे हो शेड कर्टेन में से आ रही है। तो शाम का देखो सूर्यदेव जी, तो शाम का यहाँ पे पता चलता ही नहीं है। अभी बहुत लेट जो है दिन छुपना शुरू होगा, लगभग 8 बजे के बाद ही। तो बस चाय पियेंगे और चाय के साथ कुछ हल्का फुल्का स्नैक गई, फिर हमेशा की तरह डिनर के बारे में सोचना शुरू कर देंगे, क्या बनाना है क्या नहीं। बस यही सब चल रहा है इन डेज़ में, और कोरोना वायरस का यहाँ पे जो काउंट है वो बढ़ता जा रहा है। टोटल काउंट यहाँ पे मोर देन 80,000 हो चुका है, एंड डेथ्स भी मोर देन 10,000 हो चुकी हैं। अब टेंशन होने लगी है क्या होगा, पता नहीं, जो भी होगा अच्छा होगा। पॉजिटिव लेके सोच चल रहे हैं, सारे पॉजिटिव सोच के साथ। बस चाय मेरी तो लगभग बन गई है, सो जल्दी से चाय एंजॉय करती हूँ आपके साथ बहुत ही जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, हंसते रहिए, घर में रहिए और सेफ रहिए। रियाज को निन्नी आ रही है, चलिए बाय बाय, टाटा।